अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। पिछले दर्स में मैंने आपसे इल्यूमिनाटी को से मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं उसके मुतालिक बात की, तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर कुछ वीडियोस पोस्ट की कि फिर इनको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस ट्रायंगल को और अमेरिका के डॉलर बिल के ऊपर बने हुए पिरामिड को और उसके ऊपर बनी हुई एक आँख को, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी अलामत जो हैं इनको लोग इस्तेमाल करके इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। और इस आंख को बेसिकली कहा जाता है आई ऑफ प्रोविडेंस, और फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी से मुंसलिक ये एक अलामत है जो साजिशी नजरियात का गढ़ है। साजिशी नजरियात खुफिया अलामतों और खुफिया तस्वीरी निशानों पर परवान चढ़ते हैं। आई ऑफ प्रोविडेंस भी एक ऐसी ही तस्वीरी अलामत है जो दरअसल मुसलस के अंदर रखी हुई एक आंख की तस्वीर है। ये अलामत फ्री मेसन्स नामी तहरीक से मुंसलिक की जाती है। ताहम इसे बदनामे जमाना और मशकूक इल्यूमिनाटी तहरीक से भी जोड़ा जाता है। शायद ही किसी दूसरी खुफिया अलामत या निशानी ने इतनी साजिशी नजरियात को जन्म दिया हो जितना कि आई ऑफ प्रोविडेंस ने। और वजह यह है कि आम दिखाई दी जाने वाली अलामत है जो कि ना सिर्फ दुनिया भर में मौजूद मसीही इबादत गाहों और फ्री मेसन्स की यादगार इमारतों पर चस्पा नजर आती है, बल्कि अमेरिका के एक डॉलर के नोट की पीछे वाली साइड पर भी यही अलामत मौजूद है। और तो और ये अमरीका की अजीम मोहर पर भी कंदा है। हकीकत यह है रियासत की अलामत के तौर पर इसका इंतखाब गैर मामूली और वाज तौर पर अजीब है। ये आँख और इसके नीचे मौजूद एहराम बज़ाहिर किसी कदीम और खुफिया फ़िरके या मजहब की तरफ निशानदही करने वाली अलामतें दिखती हैं। सवाल ये है इस निशानी की इब्तिदा कहाँ से हुई और ये हमें इतनी मशहूर क्यों करती है, और इस निशानी को फ्री मेसन्स और एल्यूमिनाटी तहरीक के साथ क्यों जोड़ा जाता है। इब्तदाई तौर पर आई ऑफ प्रोविडेंस एक मसीही निशान था और खुदा की नुमाइंदगी और इसके इजहार के लिए इस निशानी के इस्तेमाल की इब्तदाई मिसालें निशात सानिया के मजहबी फन पारों में नजर आता। इसकी इब्तदाई मिसाल पोंटोर्मो की सन 1525 की एक पेंटिंग सुपर ईट एमोसिस में नजर आती है। अगरचे पेंटिंग में मौजूद आंख के बारे में कहा जाता है कि इस पेंटिंग में गालिबन सन 1600 में शामिल की गई, यानी इब्तदाई पेंटिंग में यह मौजूद नहीं थी बल्कि बाद में इसे इसका हिस्सा बनाया गया। इस शबी का एक और कलीदी माखिस एक किताब थी जिसे आइकनोलॉजी कहा जाता है। ये किताब सबसे पहले सन 1593 में शाया हुई। किताब के बाद में आने वाले एडिशंस में आई ऑफ प्रोविडेंस को खुदा के एहसान की सिफत के इजहार के तौर पर शामिल किया गया था। इस अलामत का नाम और इसके इब्तदाई इस्तेमाल से पता चलता है कि ये इंसानियत पर खुदा की शफकत के इजहार की निशानी के तौर पर इस्तेमाल हुई थी। कोई भी हतमी तौर पर यह नहीं बता सकता कि असल में इस अलामत की ईजाद किसने की थी, मगर ऐसा जिसने भी किया था इसके जेरे नज़र वो मजहबी अलामतें और निशानियां होंगी जो इस वक्त इस्तेमाल होती थी। मसलन मुसलस यानी तिकोन, बाप बेटे और रूहुल कुद्स की मसीही तसलीस की एक पुरानी अलामत थी। माजी बईद में भी खुदा को एक मुसलस के हाले के साथ दिखाया जाता रहा है। रोशनी की किरणें जो अक्सर इस मुसलस से फूटती दिखाई देती हैं वो भी मसीही नक्श निगारी में खुदा के नूर की अलामत है। मगर इस मुसलस पर मौजूद इस हैरान कर देने वाली आँख की असलियत क्या है? खुदा को इससे पहले मुतअद्दिद खुफिया तरीक़ों से दिखाया गया था, जैसे बादल से निकला हुआ एक हाथ, मगर आँख के निशान के जरिए खुदा का इजहार कभी नहीं हुआ था। ये कहना दुरुस्त होगा कि एक अकेली आंख का देखने वाले पर अपना नफ्सियाती असर होता है जो इख्तियार और किसी के हमा वक्त देखने का इजहार है। लेकिन गौर करने के लिए आंख की बतौर अलामत इस्तेमाल की एक पुरानी तारीख है। इसकी इब्तिदा हमें कदीम मजाहिब की तरफ खींच कर ले जाती है। 3000 साल कबल मसीह में सोमरी बाशिंदों ने जो मुजस्मे बनाए इनमें से बास की आंखें गैर मामूली हद तक बड़ी बड़ी बनाई, जो इन मुजस्मों की तकदीस का इजहार करती।
3000 साल कबले मसीह में सोमरी बाशिंदों ने जो मुजस्मे बनाए, इनमें से बास की आंखें गैर मामूली हद तक उन्होंने बड़ी बड़ी बनाई, यहाँ तक कि उन्होंने ऐसी मजहबी तकारीब का इनेकाद भी किया जिसमें मुजस्मे बनाने वालों ने इल्म की मदद से आंखें खोलकर मुजस्मों को जिंदा करने के फन का मुजाहिरा किया। लेकिन ये कदीम मिस्री थे जिन्होंने एक मुहर्रिक की हैसियत से अलहदा या अकेली आंख की बतौर अलामत इब्तिदा की। मिसाल के तौर पर ताबूत पर कंधा की हुई आंख जो इनके अकायद के मुताबिक मरने वाले को मौत के बाद की जिंदगी में देखने में मदद देती है, और मिस्री अलामतों में से एक मशहूर तरीन अलामत आई ऑफ हॉरस। आई ऑफ हॉरस नामी नक्श दरअसल एक इंसानी और उकाब की आंख का एक मुरक्कब है और इसमें उकाब की गहरी भवें और गाल के निशानात शामिल हैं। कदीम मिस्री अफसानों के मुताबिक देवता बादशाह हॉरस, जिसे अक्सर फैल्कन की हैसियत से दिखाया जाता है, ये फैल्कन के सर के साथ की आंखें अपने चाचा के साथ होने वाली एक जंग के दौरान काट कर निकाल ली गई थी। देवता हॉरस की निकली हुई आंखें बाद में एक और देवता ने ठीक कर दी थी, लिहाजा आई ऑफ हॉरस एक हिफाजती अलामत थी जिसे अक्सर एक तावीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लोग इसे अपनी जेब में रखते ताकि वो महफूज रह पाए। आई ऑफ हॉरस और मिस्रियों की इस नौयत की दीगर निशानियों और अलामतों ने निशात सानिया के दौर में यूरोपी नक्शनगारों को मुतासर किया। इस वक्त की यूरोपी मुसन्निफीन और फनकारों को मिस्री तहरीरों से दिलचस्पी थी, सिर्फ एक मसला ये था कि उसे पूरी तरह से नहीं समझते थे। अब बात करते हैं सन 1499 ईस्वी की। उस जमाने के एक मशहूर मारूफ रोमानवी नंबर में मिस्र की एक आँख वाली अलामत का तर्जुमा बतौर खुदा किया गया था, और ऐसा तस्वीरी तहरीरों के असल इस्तेमाल के हवाले से पाई जाने वाली बुनियादी गलतफहमी की वजह से हुआ। आजकल हम जानते हैं कि वो बुनियादी तौर पर सौती अलामत की तहरीरी जबान है, लेकिन 15वीं सदी में और 16वीं सदी में या 14वीं सदी में उस दौर में ऐसी तस्वीरी तहरीरों को बातिनी इजहार का जरिया माना जाता था। इन तहरीरी तस्वीरों में मौजूदा अलामतें जैसा कि जानवर, परिंदे और फिर ये तजरीदी शक्लों के बारे में माना जाता था कि वो जबान के इजहार के जरिए की बजाय पुरसरार निशान है जिनके कुछ मख्फी छुपे हुए माने हैं, और इस अकीदे का यूरोपी फन पर बहुत गहरा असर हुआ। जब 15वीं सदी में अलामतों की लुगतें सामने आईं तो इनमें पूरा जोर खुफिया और अक्सर इंतहाई पेचीदा बसरी अलामतों पर होता था। इन लुगतों को देखने वालों को उन अलामात के मानी समझने और मतालिब अक्स करने के तफरीही अमल में शरीक होना होता था। इसके नतीजे में आई ऑफ प्रोविडेंस जैसे मुहर्रिक के बातनी मानी थे, ये एक अलामत है जिसकी गलत तर्जुमानी भी की जा सकती है। इनकलाब फ्रांस के बाद सन 1789 में जीन जैक्स के इंसानों और शहरी हकूक के लामिया में लिखे गए नए मतन से और ऊपर आई ऑफ प्रोविडेंस बनाई गई थी, शायद इस मामले में से एक ऐसे निशान के तौर पर दिखाया गया जो कौम पर नजर रखने का एक जरिया होगी। बरतानिया में सन 1794 में जर्मी बेंथम ने मेमार आर्किटेक्ट वेली रोले को पेरो पिटिकोन एक ऐसी नई जेल जहां मौजूद तमाम कैदियों के सेल्स पर नजर रखी जा सके के लिए एक लोगो डिजाइन करने का काम दिया, और आर्किटेक्ट की जानिब से जब जेल के लोगों का नया डिजाइन सामने आया तो इस पर नुमाया तौर पर आई ऑफ प्रोविडेंस का निशान शामिल किया गया। तो जेल के लोगों नया डिजाइन सामने आने पर यह चीज भी सामने आई कि उसको खास तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया था। अब बात करते हैं सन 1782 में रियासताए मुत्तहिदा अमरीका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अजीम मोहर का नक्शा सामने लाया गया। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉन एडम्स ने इस डिजाइन के लिए सिफारिशाती तजवीज की थी, मगर तर हकीकत ये कांग्रेस के सेक्रेटरी चार्ल्स थॉमसन थे जिन्होंने इस मोहर में अहराम और आई ऑफ प्रोविडेंस शामिल करने की तजवीज दी। चार्ल्स थॉमसन ने इस मामले में एक नौजवान वकील और फनकार विलियम बॉर्टन के साथ मिलकर काम किया था। नामुकम्मल अहराम का मकसद ताकत और मुद्दत की अलामत का इजहार था। इसमें मौजूद 13 फ्लोर्स अमेरिका की 13 रियासतों की नुमाइंदगी करते थे, क्योंकि जब अमेरिका मोरिजे वजूद में आया तो इसके सिर्फ 13 स्टेट थे। वक्त के साथ साथ और स्टेट शामिल होते रहे और यूँ अमरीका बड़ा होता गया।
तो इन अलामतों का जब इंतखाब हो रहा था, जो इसमें किसी मरहले पर भी फ्री मेसन्स का अमल दाखिल नहीं था। मसला क्या होता है, लोग हर जगह इन अलामतों को लेके आके फ्री मेसन से जोड़ देते हैं, कहीं 13 को लेके आके मनहूसियत से जोड़ देते हैं, और इस तरह लोग समझते हैं कि लोग फैक्ट्स जमा करें। फैक्ट्स नहीं, ये होती हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जिन्हें लोग बयान करके आपकी अक्ल को हैरत में डाल के आपको गुमराह करते हैं। अब बात करते हैं एलोमेनिटीज की। इस ग्रुप जो इब्तदाई तौर पर 1776 में बवेरिया में कायम हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको मुख्तसर तौर पे पिछले दर्स में बताया था, और 1787 में ये खत्म हो गया। इसके बारे में दस्तियाब इत्तिलाआत नस्बतन गैर वाज़े हैं। हम ये भी नहीं जानते कि इनके नज़दीक बसरी अलामतें कितनी अहम थीं। ये सच है कि इल्यूमिनाटी फ्री मेसन्स के नज़रियात से मुतासिर थे, और ये फ्री मेसन्स ही थे जिनके गिरजाघरों में आई ऑफ प्रोविडेंस का इस्तेमाल किया गया था। मेसन्स ने 18वीं सदी के अख्ताम तक इस निशानी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया था, खासकर उस वक्त तक नहीं जब बेंथम, ली, ब्रेबेयर, थॉमसन और बॉर्डन ने अपने मालूम मकासद के लिए इस तंजीम को नहीं अपनाया था। एक डॉलर के बिल पर इस नक्श का मौजूद होना हमें 18वीं सदी के आखिर में जुमलियात के इजहार के बारे में बताता है, ना कि किसी खुफिया अशराफिया के इख्तियार के बारे में। अगर हालिया दौर की बात करें तो मैडोना, जीजे और कैनवेस पर ये एलुमिनाटी के निशान और आई ऑफ प्रोविडेंस के इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया जाता है, मगर ये किसी खुफिया निशानी के इजहार के बजाय इन लोगों का बेहद मकबूल होना है। बात करेंगे इस पर फिर इंशाअल्लाह ताला किसी और टॉपिक को लाकर। आज इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।